लेकिन खुद उनकी जिंदगी बेरंग है। तो आइए चलते हैं मध्य प्रदेश और मिलते हैं उन चंदेरी साड़ी के कारीगरों से जिनकी बनाई साड़ियां देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी धूम मचा रही हैं। इन गलियों में बसता है एक ऐसा हुनर जिसकी दीवानी है दुनिया। इन घरों में रहते हैं चंदेरी साड़ी के वो कारीगर जिनकी कला की दुनिया भर में कद्र है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का चंदेरी इलाका। यहाँ हर घर से आती मशीनों की आवाजें इस बात की गवाही दे रही हैं कि 200 साल पुरानी परंपरा को आज भी इन हुनरमंद कलाकारों ने जिंदा रखा हुआ है। आज भी शाही घराने की शोभा बढ़ाने वाली ये साड़ियाँ चंदेरी की शान बनी हुई हैं। यही वजह है कि करीब 25,000 की आबादी वाला चंदेरी आज दुनिया भर में चंदेरी साड़ियों के लिए मशहूर है। साहब मैं लगभग 32 साल से कर रहा हूँ और साड़ी में एक हफ्ता लगता है और एक हफ्ते में 1,900-1,800 रुपये की मजदूरी हो पाती है। वो अपने दाल रोटी खा रहे हैं साहब उससे ही। सर हमारे 3 पीढ़ी से काम चल रहा है वहाँ यहाँ, और लोग ऐसे भी हैं चंदेरी में जिनके यहाँ बहुत पीढ़ियों से काम चल रहा है, शुरू से देखते आ रहे हैं, उनके शुरू से ही काम चलता आ रहा है। इन तस्वीरों के पीछे की एक हकीकत और है। चंदेरी साड़ियों में रंग भर रहे इन कारीगरों की जिंदगी इन साड़ियों की तरह रंगीन नहीं बल्कि बेहद नीरस है। आज तक की टीम ने जब इन कलाकारों की जिंदगी के पन्ने पलटे तो कई चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मोहसिन का पूरा परिवार दिन भर 10-12 घंटे काम करता है लेकिन बमुश्किल वो इतने कमा पाते हैं कि पूरे घर का पेट भर जाए। चंदेरी के मैं एक बुनकर परिवार में हूँ। मोहम्मद मोहसिन का ये परिवार है, पति पत्नी दोनों यहाँ पर इसी तरह से लूम पर काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनके यहाँ ये काम हो रहा है। लेकिन पूरे महीने भर इस तरह काम करने के बाद ये कहा जाए कि 4 या 5 साड़ी इस तरह बन पाती है और जिसमें बाज़ार में जो ये साड़ी जाती है उसके बाद इनके पास 4,000 रुपये सिर्फ बचते हैं जिससे पूरा परिवार भी अच्छे से नहीं चल पाता है। सरकार की ओर से क्या सुविधाएँ मिलती हैं ये बताएँ। कुछ भी नहीं, हमारे पास तक नहीं आ पाती हैं। बस वो कार्ड है तो वो भी बंद हो गया। यहाँ से दवा मिलती थी स्वास्थ्य कार्ड का तो वो भी बंद हो गया। कितनी साड़ी ऐसी बन जाती है? हफ्ते में एक ही हो पाती है, महीने की बस 4, कभी वो भी नहीं हो पाती। चंदेरी में हर बुनकर के घर की यही कहानी है। बुनकरों को साड़ी बनाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे महीने में सिर्फ 4 साड़ियाँ बनती हैं, यानी एक साड़ी को बनाने में पूरे हफ्ते लग जाते हैं। उसके बाद भी एक साड़ी की मजदूरी मिलती है सिर्फ 800 रुपए। हम लोगों को नहीं मिलता, हमें तो मजदूरी मिलती है। मान के चलो एक साड़ी की जैसे बुन रहे हैं तो 800-700 रुपए है बस, इससे ज्यादा नहीं मिलती है हम लोगों को। तो कभी कभी इस मौसम में तो एक हफ्ते में होती ही नहीं है, 15 दिन हो जाए, कभी और ज्यादा हो जाए, बहुत नुकसान भी होते हैं कामों में। यहाँ सभी की एक ही शिकायत है कि सरकार बुनकरों के प्रति उदासीन है। वो चंदेरी के बुनकरों के हालात सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर रही, ना तो बुनकरों को कोई खास सुविधाएं दी गई हैं, ना ही उनकी मजदूरी को लेकर कोई सरकारी नीति है। 2-4 घंटे काम करते हैं, थोड़ी हाँ से चल लगा, कमजोरी चक्कर से चल लगा। स्वास्थ्य कार्ड कोई नहीं है? कोई कार्ड नहीं है हमारा, उनकी गिनते हैं किसी के नहीं है। स्वास्थ्य बने तो बनवा दियो, अभी कोई कार्ड नहीं। और क्या दिक्कत आती है इसमें काम करने में? अरे बुखार दिखाते ही नहीं है। हम तो बड़ी बना थे, हमने बोल लो खूब बोलने थे, अब आँख से नहीं दिखा से बड़ी बनाने लगे। बेशक रंग बिरंगी चंदेरी साड़ियां पहनकर लोग इतराते हो, पर जो इन चंदेरी साड़ियों में रंग भरते हैं उनकी जिंदगी बेरंग है। बस इन कारीगरों को इस बात का सुकून है कि आज भी वो इस 200 साल पुरानी परंपरा को बचाए हुए हैं। जिस तरह से पूरा जो इनका डिपेंड होते हैं ये, जिस तरह से बाहर से काम मिलता है या जो कई बार मौसम की मार होती है वो भी बहुत ज़्यादा इन पर पड़ती है। ये कहा जाए कि पूरे चंदेरी में करीब 5,000 इस तरह से बुनकर हैं और वो अपनी जीविका इसी तरह चला रहे हैं। कैमरामैन निषाद के साथ अमित कुमार, चंदेरी आज तक। बदलते फैशन के दौर में भी चंदेरी साड़ियों का क्रेज आज भी लोगों के बीच है।
बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में चंदेरी साड़ियों का जिक्र है। हाई प्रोफाइल लोगों की पसंद होने के बावजूद चंदेरी साड़ियों से जुड़े कारीगरों की हालत बेहद खराब है। सवाल ये है कि आखिर कैसे इन कारीगरों के अच्छे दिन आएंगे। दुनिया भर में मशहूर चंदेरी साड़ी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब आमिर खान और करीना कपूर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए चंदेरी के प्राणपुर गांव पहुंचे थे। गांव के कमलेश कोली के घर आमिर ने उनके साथ लूम पर बैठकर चंदेरी साड़ी भी बुनी थी। उस वक्त आमिर ने एक साड़ी करीना कपूर को गिफ्ट भी की थी जिसे पहनकर उन्होंने फिल्म प्रमोशन के साथ सरकार से चंदेरी बुनकरों की मजदूरी को बढ़ाने की गुजारिश भी की थी। लेकिन 6 साल बाद भी कमलेश कोली के हालात नहीं बदले, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। चंदेरी के प्राणपुर में मैं इस समय कमलेश कोली जो बुनकर हैं उनके घर पर हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल पहले यानी 14 दिसंबर 2009 को आमिर खान अपनी फिल्म की प्रमोशन में चंदेरी जब आए थे, इस घर में आए थे, कमलेश कोली के घर आए थे, और रात में उन्होंने इन्हीं का घर का दरवाज़ा खटखटाया था। और वो जब वो इसी लूम पर बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, और फिर आमिर खान ने भी इसी लूम पर काम किया, लेकिन इनके हालात कुछ नहीं बदले हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अभिनेता भी इस घर में आए, लेकिन जो बुनकर के हालात हैं वो जस के तस हैं। इस समय हमारे साथ हैं, वो इस समय लूम पे काम भी कर रहे थे, उनसे बात कर रहे हैं कि ये बताएं क्या स्थिति बदली है आपकी। स्थिति कुछ नहीं बदली अपनी, यही कि हमारे कर रहे खा रहे हैं। कितना पैसा मिलता है आपको एक साड़ी का? एक साड़ी के 600 रुपये मिलते हैं, मजदूरी मिलती है खिली, बस की सिर से माल ले आते हैं, सिर देता है माल तो साड़ी ठिकती है, सो ले जाते हैं सिर के पास। सुना आपने कैसे आज भी बुनकर अपनी हक की मजदूरी को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बेशक चंदेरी साड़ी को पहनकर करीना कपूर, विद्या बालन ने खूब चर्चा बटोरी हो, लेकिन इन बुनकरों की सुध लेने वाला आज भी कोई नहीं है। आमिर खान और करीना कपूर चंदेरी में ग्राम प्राणपुर में आकर के लूम पर बैठी थी, और वो जो साड़ी वो लेकर गई वो करीना कपूर के नाम से ही वो फेमस हुई। इतना ही नहीं, चंदेरी साड़ी के बुनकरों के साथ ही साथ इसे बेचने वाले विक्रेता भी कम कमाई होने की बात कर रहे हैं। विक्रेताओं का मानना है कि चंदेरी साड़ी की मांग बेशक बाजार में बढ़ी हो, लेकिन बिचौलिए नकली चंदेरी को असली चंदेरी का नाम देकर सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, जिससे विक्रेताओं, व्यापारियों और बुनकरों को खासा नुकसान हो रहा है। नानी गायत्री देवी जी की साड़ी है, और ये परंपरा तो काफ़ी बरसों पुरानी है चंदेरी साड़ी की। ये औरंगजेब जो राजा थे, शासक थे, उनके टाइम से बन रहा है कपड़ा चंदेरी का। और ये साड़ी जो लेफ्ट हैंड पे है, ये साड़ी मेहंदी लगे आते हैं, ये राष्ट्रपति पुरस्कार साड़ी है, और ये श्री ज्ञानी जेल सिंह जी जब राष्ट्रपति जी थे उन्होंने इस साड़ी के लिए अवार्ड दिया था। चंदेरी साड़ी के कारोबार से जुड़े सभी लोगों की सिर्फ एक ही दरकार है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, ताकि चंदेरी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए रखे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई सरकार कुछ ठोस कदम उठाकर इन कारीगरों को उनका हक देती है। चंदेरी साड़ी का हुनर करीब 600 साल पुराना है,